कैप्टन कपूर ये बताइए कि रामचंद्र से आप 5,000 मीटर की दौड़ क्यों हारे? रामचंद्र गांव में डंगर चलाता था, दिन भर जानवरों के पीछे दौड़ता होगा और फिर मुझे रेस में हरा कर वो कोई सुपरमैन बन गया क्या? नहीं, सुपरमैन तो आप हैं, क्योंकि हर रात मेस बिल तो आपका उड़ता है। देर रात तक मेस में शराब पीने की वजह से 2 बार आपको कर्नल रावत से वार्निंग मिल चुकी है और शायद यही कारण था कि आप रेस हारे। और जब आप एक बार रेस हारे रामचंद्र से, उसके बाद आपने रामचंद्र को हर रोज अपमानित करना शुरू कर दिया। रामचंद्र आपका दुश्मन बन गया। कैप्टन, दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। छोटे मतलब रामचंद्र जैसे लोग। कैप्टन कपूर, क्या आप रामचंद्र को चूड़ा, चमाट, भंगी कह के पुकारा करते थे? झूठ बोलता है वो। अरे, भंगी को अगर भंगी कहकर पुकार दिया तो कोई क्राइम हो गया क्या? कोई क्राइम नहीं हुआ। भिखारी दास कपूर, ठीक से पुकारो मेरा नाम। इट्स बीडी कपूर। मैंने आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र देखा है, उसमें पूरा नाम आपका लिखा है, भिखारी दास कपूर। और आप जानते हैं कि आपकी मां ने आपका नाम ये क्यों रखा? क्योंकि आपका जन्म बहुत से पीर फकीरों से मन्नतें मांगने के बाद में हुआ और आपके खानदानी परिवार में यह अंधविश्वास है कि जब बेटे का जन्म बहुत ही मुश्किल से हो तो उसका नाम गंदा और घटिया रखना चाहिए, जैसे भिखारी दास कपूर। Don't you dare call me by any other name, it's B.D. कपूर। आप भंगी को भंगी बुला सकते हैं तो क्या मैं आपको आपके अपने नाम से नहीं बुला सकता, भिखारी दास कपूर? Stop it, otherwise क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे, जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने गाली खाने से इनकार कर दिया था, या जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने नपुंसक, इम्पोर्टेंट और जनखा कहा? You bastard! You son of a bitch! Don't you dare touch me! शमशेर, रिलैक्स। कैप्टन कपूर, अपनी जगह पे बैठिए।